मुझे पता है कि आज के इस वीडियो पर मैं कुछ ज्यादा ही कम एंड्रॉइड ट्रिक्स लेकर आया हूँ लेकिन क्या आपके स्मार्टफोन के पीछे ऐसे डबल टैप करने से टॉर्च जलता है नहीं ना या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट खींचता है बेशक ना और विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन क्या आप ऐसे फ्लोटिंग अपने एप्लीकेशन को किसी भी एप्लीकेशन पे ऐसे फ्लोटिंग टैप पे कन्वर्ट कर पाओगे ना क्यूँकी आज के इस वीडियो को देखना पड़ेगा लास्ट तक तभी तो जाके सब कुछ समझ पाओगे इवन अगर आप मल्टीपल टेक्स्ट को एक ही साथ में कॉपी करते हो, तो फिर उसके लिए भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं सब कुछ आपके स्मार्टफोन पर अवेलेबल है पहले से बताए बहुत ज्यादा यूनिक ट्रिक्स है लेकिन खामक का जो ट्रिक नहीं है जिसके लिए हमें अलग से एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा उसको तो ट्रिक बोल के बेच नहीं सकते ना आई I मीन mean, दिखा नहीं सकते <laughs> सॉरी सो so, ध्यान से देखो इस वीडियो को लास्ट तक साथ साथ ही साथ, एक लाइक तो बनता है बॉस सो हेलो स्टार्ट सो वीडियो के स्टार्टिंग पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप अपने स्मार्टफोन के पीछे ऐसे करके डबल टैप करते हो तो फिर टॉर्च जो है वो जल उठता है या फिर आप ऐसे करके स्क्रीन भी खिंचवा सकते हो एंड ऐसे करके बहुत सारे एक्स्ट्रा जो सिंपल बट यूजफुल काम है आप उसको कर सकते हो बहुत ही आसानी से सो पहली बात बोल दो की अगर आप एक टैक गीक हो एंड्रॉयड गीक हो तो फिर शायद आप लोगों को पता होगा की रिसेंटली ये जो सितंबर है उस पे एंड्राइड 11 रिलीज हुआ था सो so उस एंड्रॉइड 11 पे बेसिकली इस बैक डबल टैप को ऐड करा गया था एज ए एडिशनल फीचर जो कि रियली में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया लेकिन वो वाला फीचर सभी स्मार्टफोन पर तो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी स्मार्टफोन्स पर क्यों एंड्राइड 11 देंगे अपडेट सो दैट्स व्हाई XDA नामक एक वो कम्युनिटी है जहां पर बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे टाइप के एप्लीकेशंस जनरेट करवाते हैं सो so वहीं से मेरे को एक एप्लीकेशन मिला जिसको इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपने डिवाइसेस पर कुछ इन टाइप के जेस्चर्स को ऐड करवा पाया लाइक like अगर आप डबल टैप करते हो तो फिर कभी-कभी काम करता है कभी-कभी लाइक -कभी like जोर देना पड़ता है सेंसिटिविटी नामक एक चीज होता है दैट्स व्हाई कभी-कभार वो बैक जाते हैं लेकिन मैंने अपने डिफरेंट डिवाइसेस पर इसको ट्राई करके देखा था मैंने देखा कि प्रोपरली ये वर्क कर रहा था इवन आप यहाँ पर सेंसिटिविटी लेवल को भी घटा सकते हो बढ़ा सकते हो और यहाँ पर जो डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप वाला ऑप्शन है उस पर जाके कि आप किसी भी एक्स्ट्रा जो काम है लाइक आपको डबल टैप करने के बाद कौन सा वाला फीचर आप देखना चाहते हो उसको आप यहाँ पर सेट कर पाओगे तो मैं अपने वेबसाइट का एक लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा जहाँ पे जाके आप डायरेक्टली उस साइट पे रिडायरेक्ट हो पाओगे एक्सडीए के ऑफिशियल साइट पे जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के वो एप्लीकेशन दे रखे हैं फाइल आप जाके इंस्टॉल करो जो वाला एपी डिपटेबल है उसको आप यूज करो ट्राई करके देखो मजा आए तो फिर यूज करो वैसे फीचर कुछ ज्यादा ही यूनिक सा लगाई मैंने देखा चिपका देते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ओर वैसे नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ने से पहले एक और ट्रिक मेरे पास है जिसके बदौलत आप बहुत आसान से घर बैठे पैसे अर्न कर पाओगे जिसका नाम है अर्न करो बहुत ज्यादा सिंपल है बॉस एप्लीकेशन का यू आई बोल बहुत ज्यादा सिंपल है आपको बस इस पे जाके रजिस्टर करना है रजिस्टर करने के बाद आप देख पाओगे कि बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं सो so, उन ऑफर्स के रिगार्डिंग आप जो प्रोडक्ट्स है उनका आप लिंक जनरेट कर पाओगे या फिर आप अपने खुद के एमेजोन या फिर फ्लिपकार्ड के चुनिंदे जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका जो लिंक है उसको आप कॉपी करके यहाँ पर जो मेक लिंक करके एक ऑप्शन है उस पर जाके आप उस लिंक को पेस्ट करके एक एफिलियट लिंक क्रिएट कर पाओगे उस एफिलियट लिंक से जो कोई भी परचेस करेगा उसके रिगार्डिंग आपको कैशबैक मिले

देखो आजकल के मैक्सिमम डिवाइसेज पर एक कीबोर्ड तो कॉमन है गूगल की बोर्ड एक्सेप्ट सैमसंग के डिवाइस एंड एप्पल के लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो सिंपलियस्ट और सबसे अच्छा खासा नॉर्मल सा की बोर्ड है वो है जी बोर्ड स्पॉन्सर्ड नहीं है सो so, जितने भी लोग जी बोर्ड को यूज करते हो उन लोगों के लिए है ये वाला ट्रिक बहुत ज्यादा सिंपल है आपको बस मान लीजिए अगर आप एक जी बोर्ड यूजर हो तो फिर आपको अपने की बोर्ड को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको ना यहाँ पर एक थ्री डॉट देखने को मिल जाएगा जिसपे टैप करने से आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो करेंगे लाइक थीम की क्लिप बोर्ड टेक्सट एडिटिंग करके लेकिन हमें टैप करना है क्लिप बोर्ड के ऑप्शन पे टैप करने के बाद बस आपको इसको करना है अनेबल। सो so, जैसे आप इसको अनेबल करोगे उसके बाद आपको लाइक आप जितना चाहो उतना मल्टीपल टेक्स्ट को आप कॉपी करो कॉपी करने से क्या होगा कि यहाँ पर ना सभी टेक्स्ट जो है स्टोर हो जाएगा जिसको कि आप बाद में कहीं पे भी पेस्ट कर पाओगे एक एक करके जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दिखने में सिंपल दिख रहा होगा लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है मेरे को पता है आप में से जितने लोग स्टूडेंट्स हो उन लोगों को तो पता होगा ऑनलाइन एग्जाम चलते है ना उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को कुछ इस टाइप के फ्लोटिंग टेब पे यूज कर पाओगे एकदम से मिनिमाइज करके लाइक क्या आपने कभी सोचा है की ऐसे भी व्हाट्सएप आप यूज कर सकते हो लाइक फ्लोटिंग टैब तो हमने देखा है कि बहुत सारे लाइक मैसेंजर की तरह आता है उसके बाद जाके आप वहाँ पे चैट कर पाते हो लाइक मल्टीपल एप्स को अगर आप यूज करना चाहते हो तो लेकिन कैसा हो कि आपके पास एकदम से फ्लोटिंग पूरा का पूरा व्हाट्सएप शो करे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे को तो बहुत ज्यादा क्यूट सा लगता है ऐसे करके यूज करने में जिसको आप रिसाइज़ भी कर पाओगे और हां विदाउट एप्लीकेशन ये आप कर सकते हो बहुत ज्यादा सिंपल है बेसिकली ये एंड्रॉयड टेन जितने भी स्मार्टफोन है यूजर अगर आपके स्मार्टफोन पे एंड्रॉयड टेन अवेलेबल है तो फिर आप इसको यूज कर पाओगे और बाकी जितने भी लोग हो प्लीज डोंट बी अपसेट बाई ना वेट एनीवेज मेन ट्रिक की ओर बरत हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके स्मार्टफोन पर एंड्रॉइड 10 अवेलेबल है तो फिर इसको कैसे अनेबल करें बहुत ज्यादा सिंपल है आपको बस अपने स्मार्टफोन का जो डेवलपर ऑप्शन है उसको करना है अनेबल कैसे अनेबल करना है डिफरेंट स्मार्टफोन के डिफरेंट मैथड है बिल्ड नंबर जो भी है सो so पहले तो डेवलपर को टर्न ऑन करवा लो उसके बाद आपको दो ऑप्शन को अनेबल करवाना है पहला ऑप्शन है फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल और दूसरा वाला ऑप्शन है अनेबल फ्री फ्रॉम Windows. इन दोनों ऑप्शन को एनेबल करवाने के बाद आपके डिवाइस को करना है रिबोट रिबोट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन हाँ रिबोट हो जाता है तो तो लाइक डरने की कोई बात नहीं मैं खुद डर गया था सो <laughs> so, रिबूट हो जाने के बाद मान लीजिए कि आपने बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है सो so, नोटिंग टैब पे लाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है आपको बस जाना है पहले तो रिसेंट एप्स पे रिसेंट एप्स पे जाने के बाद अगर आपका शामी वाला डिवाइस है तो फिर आपको किसी भी एक रिसेंट ऐप पे होल्ड करना है होल्ड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का एक पॉपअप वाला ऑप्शन शो करेगा इस पे टैप करने से बुम आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो है फ्लोटिंग जो भी है ऐप आपको यहाँ पर शो कर रहा है इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो मूव करवा सकते हो उसी के साथ ही साथ रिसाइज भी कर पाओगे बहुत ज्यादा सिंपल है इससे एक्चुअली बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है किसी भी स्मार्टफोन को यूज करने में लाइक व्हाट्सएप आपको पता होगा नहीं तो हम क्या करते हैं कि बार बार नोटिफिकेशन पे जाके रिप्लाई बटन पे टैप कर करके हमें चैट करना पड़ता है लेकिन अभी बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है सो so, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर एकदम से ऐसा लगता है कि मानो ये एक छोटो सा, सा फोन है लेकिन नहीं ये एक फ्लोटिंग टैब है विदाउट एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन आप इसको कर पा रहे हो वही बहुत बड़ी बात है लेकिन अभी आप बोलोगे की यार मेरे पास तो एंड्रॉयड टेन वाला फीचर नहीं है अभी मैं क्या करूँ सो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली जिसका नाम है टास्क इस एप्लीकेशन को बस आपको ओपन करके इसका जितने भी वो एसेसिबिलिटीज है उनको आपको अनेबल करवाना है अनेबल करने के बाद आप इसको खुद ही बहुत आसानी से यूज कर पाओगे और आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग टैप पे आप यूज कर पाओगे सो so बस यही थे कुछ कमाल के एंड्रॉइड ट्रिक्स मेरे को बताया कि बहुत ही ज्यादा कम है तीन लाइक हद से ज्यादा कम है लेकिन एक से बढ़कर एक है और मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी एक एप्लीकेशन को यूज करके ट्रिक नाम दे के ऐसे करके लाइक ट्रिक्स वाला वीडियो मैं शो कर दू ऐसे करने से लाइक गुडविल होता है ना चैनल का वो घट जाएगा Obviously. और हाँ का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है मेरे को पता है कि मैं बहुत यादा लेट वीडियोस को पोस्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाला है वेल well, कैसा लगा वीडियो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना एंड उसी के साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंड हाँ नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें मिलता था किसी वीडियो के साथ Goodbye.